नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बड़ी ही मनमोहक राधा रानी जी की कहानी आप सभी लोगों को सुनाने वाली हूँ। ध्यान लगा के सुनना, बड़ा अच्छा लगेगा। एक समय की बात है, बरसाना नगरी में एक संत बाबा जी रहते थे। संत बाबा हमेशा राधा रानी के नाम करते रहते थे, भजन गाते रहते थे और राधा रानी के मंदिर के द्वार में ही रहते थे। सारा दिन राधा रानी की भजन गा के बड़े प्रसन्न मन से रहते थे। बाबा जी की उम्र भी काफी हो गई थी। एक दिन बाबा जी ख्याल करते हैं कि जो भी बरसाना आते हैं, लाडली के लिए कुछ ना कुछ तो लाते ही है। कोई पोशाक चढ़ाता है तो कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाते हैं तो कोई दक्षिणा दे के जाते हैं, पर हाथ में कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हैं। पर मैं कैसा भक्त हूँ, लोग मुझे संत बोलते हैं, मैं कैसा भक्त हूँ जो मैं यहीं बैठा रहता हूँ। कितने सालों से आज तक कभी भी राधा रानी को कुछ नहीं दिया, ऐसे कैसे। ऐसे सोचते ही संत बाबा जी को मन में ऐसे लगने लगा कि मुझे भी राधा रानी के लिए कुछ तो जरूर लाना चाहिए, मैं भी अपनी लाडो को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर करूँगा। यह सोच के संत बाबा बाजार से बड़े अच्छे मुलायम मलमली कपड़े लेके आए और गोटा लगा के अपने हाथों से राधा रानी के लिए एक पोशाक बनाना शुरू किया। अपने हाथों से बड़े प्यार से पोशाक को पूरा किया। 30-40 दिन लग गए बाबा जी को ये पूरा पोशाक बनाते बनाते। और जब पूरी पोशाक बनके तैयार हुआ, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक हुआ कि बाबा जी से अभी रहा नहीं गया। और बाबा जी बोले, आज ही मैं लाडो के मंदिर जाता हूँ और लाडो की ये पोशाक दे के आता हूँ। श्री जी जब ये पोशाक पहनेंगे बड़े सुंदर दिखेंगे। ऐसा सोच के बाबा जी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। श्री जी के मंदिर जाने के लिए सीढ़ियां काफी है, बाबा जी की उम्र हो गया था। धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ रहे थे। अब आधा सीढ़ी पहुंचे ही होंगे, तब तक एक छोटी सी लड़की आई, बोले, बाबा जी कहाँ जा रहे हो। संत बाबा ने बोला, मैं लाडो के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। लाडो के लिए मैं पोशाक बनाया है अपने हाथों से, लाडो को ये देने के लिए जा रहा हूँ। छोटी सी लड़की ने बड़े प्यार से बोला, बाबा जी लाडो के पास तो बहुत पोशाक है, रोज नए नए पहनते हैं, मेरे पास इतनी पोशाक नहीं है, आप मुझे ये पोशाक मुझे दे दो। सुन के बाबा जी को बड़ा ताज्जुब हुआ, बोले, ये कैसे। बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे लिए दूसरा पोशाक ला दूंगा, बाजार से ला दूंगा। ये पोशाक मैंने अपने हाथों से बनाया, लाडो को पहनाऊंगा करके, ये पोशाक तो मुझे लाडो को ही देना पड़ेगा, तुझे मैं दूसरा ला दूंगा, तू कल आ जाना। लेकिन लड़की ऐसी मानती ही नहीं है, नहीं बाबा जी, मुझे तो यही पोशाक चाहिए, आप मुझे ये पोशाक दे दो और लाडो के लिए दूसरा बाजार से ले लेना। लड़की मानती ही नहीं है, बाबा का कपड़ा पकड़ के खींचने लगी, बाबा का हाथ पकड़ के खींचने लगे, बाबा जी पोशाक दे दो। और उधर संत महाराज भी पोशाक देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, नहीं ये पोशाक बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ऐसे करते करते थोड़े देर में वो छोटी सी लड़की बाबा के हाथ से पोशाक लेके भाग गई। अब छोटी सी लड़की जहाँ भागे, बाबा कहाँ भागे उनके पीछे। बाबा के हाथ से पोशाक लेके भाग गए तो करे क्या, सीढ़ी में ही बैठ गए, सर पकड़ के रोने लगे। ये क्या, लाडो को तो मेरे हाथ का पोशाक पहनना ही नहीं होगा, लाडो मेरे पोशाक ग्रहण ही नहीं करना चाहती होगी, इसीलिए ऐसा हुआ, मेरे पोशाक लाडो तक पहुंचने से पहले ही कोई लेके भाग गया। अब रोते रोते काफी देर हो गया। मंदिर से बाकी संत लोग भी आ रहे थे, उन्होंने देखा बाबा उधर बैठ के रो रहे हैं, उन्होंने पूछा क्या हुआ। संत बाबा ने अपनी पूरी कहानी बताया। ये सुन के बाकी संत लोग बोले, कोई बात नहीं, जो गया सो गया, अब रोने से क्या होगा, चलो दर्शन कर लो। संत बाबा को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था, लाडो ने क्यों उनका भेंट स्वीकार नहीं किया, अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया था फिर भी नहीं स्वीकार किया, ऐसा क्या गलती हो गई। ये सोच सोच के मन बहुत दुखी हो रहा था। और जब वो मंदिर के अंदर गए, मंदिर का पट खोला और उन्होंने श्री जी का दर्शन किया तो दोनों आंखों से देखते रह गए। यह तो वही पोशाक था जो छोटी सी लड़की लेके भाग गई थी। राधा रानी जी को इतना अच्छा लगा था पोशाक कि खुद आई, खुद अपने हाथों से पोशाक लेके भागी। देखिए प्रेम क्या होता है, ये होता है हमारे कृपालु राधा रानी की प्रेम। जहाँ इंसान का प्रेम जुड़ा है वहाँ तो राधा रानी आएंगे ही,
खुद चल के आए और पोशाक अपना लेके गए। दोनों आंखों से खाली अश्रु बह रहे थे और राधा रानी का ये स्वरूप देख के पंडित जी बस देखते रह गए, संत महाराज बस देखते रह गए। ऐसे है हमारे लाडो, बड़े प्रेम की मूर्ति, प्रेम जहाँ वहीं लाडो, जहाँ लाडो वहीं हमारे कान्हा जी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहें। मम्मी पापा भाई बहन और परिजन के लोगों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी राधा रानी की ये स्टोरी पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे।